खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। ललितपुर लाइव टीवी। ललितपुर शहर के जिला अस्पताल रोड स्थित नवजीवन क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड पर आज ग्वालियर के जाने माने गठिया और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक गुप्ता ने जोड़ों से संबंधित होने वाली बीमारियों के विषय में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान शहर के जाने माने सभी वरिष्ठ डॉक्टर मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सभी डॉक्टरों ने अपने वक्तव्य में डॉक्टर आकाश खैरा का धन्यवाद देते हुए कहा कि बुंदेलखंड के सबसे अति पिछड़े क्षेत्र ललितपुर में इस तरह के रोगों से संबंधित डॉक्टरों का आना किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सौरभ देवरिया ने किया और इसका फीता काट कर उद्घाटन शहर के जाने माने आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजकुमार जैन ने किया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। रूमेटोलॉजी बहुत कॉमन समस्या है, करीब हिंदुस्तान की 10 करोड़ जनसंख्या इससे प्रभावित है। रूमेटोलॉजी में कोई भी सिम्टम्स हो सकता है, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, कमर में जकड़न, ये सब रूमेटोलॉजी के लक्षण हैं। इसके अलावा लंबे समय का बुखार, आंखें सूखना, मुंह सूखना, उंगलियां सफ़ेद नीली होना ठंडे पानी में, ये भी रूमेटोलॉजी का लक्षण हो सकता है। रूमेटोलॉजी का गठिया रोग करीब 150 प्रकार का होता है, तो इसका बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। रूमेटोलॉजी के लिए हमें जल्दी से जल्दी कंसल्टेशन लेना चाहिए, जिससे इस बीमारी से होने वाली विकृति और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। जी जी, सबसे पहले हम डॉक्टर आकाश खेरा जी का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दी कि जिससे ललितपुर के वासियों को काफ़ी फ़ायदा पहुँच सके और जो भी लोग जो बीमारियों से ग्रसित हैं, गठिया रोगों से ग्रसित हैं, उन लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में इस बीमारी का सही उपचार हो सके, बहुत अच्छा लाभ मिल सके, जिससे उनको कॉम्प्लिकेशन से इससे होने वाले दुष्प्रभावों से बच सके। देखिए रविंद्र जी और मनोज जी, आज हमारे शहर में डॉक्टर आकाश खेरा की क्लिनिक पर डॉक्टर मयंक गुप्ता जी आए हैं जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं और रूमेटोलॉजिस्ट की डिग्री थोड़ा सा कम ही शहरों में रहती हैं। ये ग्वालियर से ललितपुर में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल में ये एज रूमेटोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं और रूमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोगों के बीच में नहीं है ब्रांच, लेकिन जैसे जोड़ों में सूजन है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो लोग समझते नहीं कि हमें रूमेटोलॉजी की बीमारी है और इस तरह से बहुत सारे केसेस में रूमेटोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं उनके बाद प्रूफ हो पाता है। चूँकि यहाँ कोई विशेषज्ञ हमारे आसपास झांसी में भी नहीं है तो इनका ललितपुर में आना निश्चित रूप से ललितपुर और आसपास के क्षेत्र के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैं IMA ललितपुर की तरफ से डॉक्टर मयंक गुप्ता का ललितपुर में जो है स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सेवा देने के लिए ललितपुर को चुना और ललितपुर के लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि आप इस सुविधा का ज़रूर लाभ लें और किसी को यदि कोई जोड़ों में समस्या हो, रूमेटोलॉजी कोई बीमारी हो तो उनसे संपर्क करें।